आप सभी का स्वागत है प्लांट्स एंड फ्लावर्स में। आज हम चंपा को कटिंग से उगाना सीखेंगे। इसको बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। यह कई तरह के सुंदर सुंदर रंगों में आता है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखिए, ये चंपा के पौधे की ब्रांच है जिसको मैंने एक पौधे से कट किया है। अब हम इसके सारे लीव्स कट कर देंगे और इसको 2 दिन के लिए शेड में रख देंगे। आज 2 दिन हो चुके हैं। देखिए, ये 2 दिन बाद ऐसा दिखाई देगा। इस पॉट में मैंने सॉइल मिक्स फिल कर लिया है। इस तरह ब्रांच को रूटिंग पाउडर लगाकर पॉट में लगा देंगे। इस ब्रांच को मिट्टी में 3 से 4 इंच का होल करके उसमें दबा देंगे। अब इसमें वाटरिंग करेंगे। अब इसको तेज रोशनी वाली जगह में रख देंगे जहां सीधी धूप ना आती हो, और 15 दिन तक इसको पानी नहीं लगाना है। आज इसको 1 महीना हो गया है और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए, इसमें छोटी छोटी लीव्स बनना भी शुरू हो गई हैं और कुछ महीने बाद फ्लावरिंग भी होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इस ब्रांच को 6 महीने पहले मैंने लगाया था। देखते हैं इसने कितनी ग्रोथ की। ये देखिए, इसकी कितनी बड़ी बड़ी रूट हो गई हैं। ये देखिए, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप भी आसानी से घर में चंपा को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।